हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती मेकओवर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी जितने भी टॉप फाउंडेशन है ना उन सब का रिव्यू, एंड मैं बताने वाली हूँ कि सारे फाउंडेशन कैसे जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ एंड उसको आप भी यूज़ कर सकते हो सेल्फ मेकअप के लिए भी, एंड अगर आपको ब्राइड के लिए चाहिए तब उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास जो भी फाउंडेशन है ना, मैं उन सब का रिव्यू वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे टॉप फेवरेट फाउंडेशन जो भी है मेरे पास। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली फाउंडेशन है एक मेरे पास जो मेरा बहुत फेवरेट है, एंड इसकी कवरेज भी मीडियम टू हाई कवरेज है इसकी, वो है ये वाला फाउंडेशन जो कि है स्विस ब्यूटी का। ये फाउंडेशन है, ये बहुत अच्छा है, स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा कवरेज HD फाउंडेशन है, यानी कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है ना तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको वन बाय वन लगा कर भी दिखाने वाली हूँ इन सबकी कवरेज कैसी है। ये आपका जो फाउंडेशन है ना, अगर किसी को बहुत पिम्पल है, पिगमेंटेशन है या फिर ओपन पोर्स है ना, तो उनके लिए ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिक बेस है। देख सकते हो ये बिल्कुल नहीं गिर रहा है, ये बहुत ही थिक बेस फाउंडेशन है। तो अगर आपके पिंपल वगैरह है, ओपन पोर्स है ना, तो उनके लिए ये फाउंडेशन बेस्ट है। तो यहाँ पे देखो मैंने हल्का सा लगाया, एंड इसकी कवरेज देखना बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको अभी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, एंड अब आप दोनों साइड देख सकते हो, रिजल्ट खुद आपको देखने को मिल रहा होगा इधर और इधर। इसकी कवरेज जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लुक एट दिस, वाओ, क्या कितना ज्यादा शाइन कर रहा है, कितना ग्लो कर रहा है। ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट फाउंडेशन है, एंड इसकी MRP मैं आपको बता दूं, MRP है 599 में, और क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब ये क्वांटिटी में बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, स्विस ब्यूटी का HD अल्ट्रा फाउंडेशन है ये, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने छोटा सा ट्यूब लाया था ट्रायल बेसिस पे, बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया पर्सनली, एंड आप खुद डिफरेंस दोनों गाल में अभी देख सकते हो। और इसका शेड नंबर मैं आपको बता दूँ, इसका शेड नंबर है 03 नेचुरल बीज, 03 नेचुरल बीज इसका शेड नंबर है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो ये वाला है मेरा फर्स्ट फेवरेट फाउंडेशन, जिसके MRP है 599 रुपीज़। तो मैं आज जो फाउंडेशन बताने वाली हूँ ना, वो मैं आपको 300 से लेकर 2000 के अंदर तक सारे फाउंडेशन बताने वाली हूँ, जो आपको पसंद है आप उसको खरीद सकते हो। तो ये वाला शेड देखते हो, मीडियम स्किन टोन के लिए मैंने सारे लिए थे अपने स्किन टोन के हिसाब से, तो ये मीडियम स्किन टोन है। कुछ कुछ फाउंडेशन के मेरे पास डबल शेड भी है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर फाउंडेशन, जो मुझे बहुत पसंद है, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में देखा हुआ है, जिसे मैं यूज़ करती हूँ, वो है ये वाला लैक्मे 925 का ये फाउंडेशन, जो कि बहुत अच्छा है, प्राइम प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन ये वाला है ना, ये है लिक्विड फाउंडेशन, और ये बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा ना आपको ग्लॉसी सा लुक देता है फेस पे, एंड बहुत ही नेचुरल देता है। इसका शेड नंबर मैं आपको बता दूं, इसका शेड नंबर है वार्म नेचुरल W180, वर्म नेचुरल W180, वर्म नेचुरल है इसका। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा शेड नंबर। अब मैं इसको इस गाल में आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि फेस पे हाँ फाउंडेशन लगा है, ये थोड़ा सा कवरेज इसकी हाई होती है, इनकी बहुत अच्छे से दिखते हैं, बट ये बिल्कुल परफेक्ट शेड का, ये आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा फेस पे लगाया हुआ। आपको कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैंने अपने फेस पे सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया है, और जिसके ऊपर मैं आपको ब्लेंड करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो देखो आप इसको ब्लेंड करते हैं, ये जो है ना, ये बहुत नेचुरल लुक आता है, ये थोड़ा सा हैवी लुक आता है। लुक एट, इसकी भी आप शाइन देख सकते हो, ये कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया, एंड इसकी शाइनिंग आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी है। MRP की बात करें तो इसका प्राइस है, यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, एंड इवन यहाँ पे प्राइस भी नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता दूँ, ये आपको समथिंग ना 400 से 500 के अंदर मिल जाता है ये वाला फाउंडेशन, जो बहुत अच्छा रहता है। मतलब इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, ये आपको मीडियम टू हाई कवरेज देता है फाउंडेशन। डेली बेसिस में अगर आपको कुछ यूज़ करना है, सेल्फ के लिए कर रहे हो ना, तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, एंड इवन अगर आपके स्किन बहुत ड्राई है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैट लुक देता है, डोई लुक देता है ये वाला फाउंडेशन, इसीलिए तो ये बहुत अच्छा है।
तो अब आते हैं हमारे थर्ड फाउंडेशन के ऊपर, जो कि है ये वाला फिट मी का फाउंडेशन, यानी कि मेबलिन का फाउंडेशन। ये भी बहुत अच्छा है, बट इसका एक चीज़ है कि ये है थोड़ा सा ड्राई लुक। अगर आपका फेस ऑयली है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको मैट लुक चाहिए तो इसके लिए बहुत अच्छा है। इसका मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, उसके पहले इसका शेड बता देती हूँ। ये है 220 नेचुरल बीज, इसका शेड नंबर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली, 220 नेचुरल बीज मीडियम शेड फाउंडेशन है ये। इसको भी मैं आपको हल्का सा अप्लाई करके, तो जो मैंने पहले लगाया था ना वो फाउंडेशन को मैंने रिमूव कर दिया है, अब मैं यहाँ पे फिर से लगा रही हूँ। लगा लेते हैं थोड़ा सा, इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये फाउंडेशन देखो जो थोड़ा सा ना ये मेरे को मैट लुक देता है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, आपकी पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा या ऑयल आता है ना, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैट एंड थोड़ा सा ड्राई लुक देता है। तो मैं इसे बेसिकली क्या करती हूँ, थोड़ा सा ऑयल या फिर थोड़ा सा ना मॉइस्चराइजर मिक्स करके लगाती हूँ, तब ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, वरना सामने से भी यहाँ पर ये थोड़ा सा मैट लुक देता है। बट इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसकी भी कवरेज आप देख सकते हो, सबकी कवरेज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दोनों गाल में आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा, बट जो मेबलिन का फाउंडेशन होता है ना वो थोड़ा सा हैवी लुक देता है, तो मुझे पर्सनली थोड़ा कम पसंद है, लेकिन फाउंडेशन बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मेरी नॉर्मल स्किन है तो मेरे पे सारे फाउंडेशन चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी आप दोनों गाल में दिख रहे हो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लुक दे रहा है ना। तो इसका भी मैंने आपको शेड नंबर बता दिया था, एंड इसके MRP की मैं बात करूँ तो इसका MRP था 549 रुपीज़ है ये, 549 इसके MRP है। इसके अगर आप चाहो ना तो छोटे छोटे ट्यूब में भी ले सकते हो, जो आपको 299 में आई थिंक मिल जाते हैं, इसके छोटे छोटे ट्यूब आते हैं, आप उसको भी पहले ट्राई कर सकते हो, फिर आप ऐसा बड़ा ले सकते हो। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फाउंडेशन के ऊपर। ओके, तो देन माय नेक्स्ट फाउंडेशन इज़ दिस, ये है फेस सीक्रेट का फाउंडेशन। एक्चुअली मुझे इसकी MRP बिल्कुल भी नहीं याद है, बट ये फाउंडेशन की जो पैकेजिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही क्लासिक लगती है इसकी पैकेजिंग। देखो ये जो कवरेज है ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो जितने फाउंडेशन है ज़रूरी नहीं सारे मेरे शेड के, क्योंकि मुझे क्लाइंट के लिए लेना होता है, तो जो मेरे शेड का वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो नहीं है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला थोड़ा सा डार्क शेड है मेरे पास, बट इसकी कवरेज मैं आपको दिखाती हूँ, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, इसमें भी कुछ मिक्स नहीं किया मैंने। देखो अभी इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा थिक बेस फाउंडेशन है। लाइक अगर किसी को ओपन पोर से बहुत ज़्यादा फेस पे या फिर पिंपल है, पिगमेंटेशन है, दाग है ना, तो ये उसको बहुत ही अच्छे से कवर करेगा एंड बहुत हाई कवरेज देगा उनके लिए। तो यहाँ देख सकते हो आप मेरे फेस में कितना ज़्यादा हाई कवरेज दे रही है और कितना ज़्यादा हैवी लग रही है। तो ये उनके लिए है जिनका फेस में बहुत ही ज़्यादा थिक बेस फाउंडेशन है ये। तो मेरे को MRP इसकी तो नहीं याद है, लेकिन जो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ जितने भी अब आता है हमारा नेक्स्ट फाउंडेशन जो कि है ये वाला, वो है कलर बार का फाउंडेशन। तो इसका मैं आपको बता दूँ, ये है कलर बार का फाउंडेशन, MRP इसकी 1200, एमिनो स्किन रेडियंट फाउंडेशन है। मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है, लाइक बहुत कम, एक से दो बार यूज़ किया है, एंड ये फेयर स्किन वालों के लिए, जो थोड़ी सी फेयर स्किन है ना उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। लेकिन इसकी पैकेजिंग जो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसमें ना टोटल ये आता है कितना मैं आपको बता देती हूँ, मुझे MRP के हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली लगा। इसमें आपको सिर्फ 15 ग्राम मिलता है, और इसकी ना कवरेज मुझे उतनी नहीं पसंद है, लेकिन अगर आपकी स्किन में, मैं आपको दिखा दूँ ये फाउंडेशन, इसको आपको ऐसा प्रेस करके निकालना होता है, ये देखिए ये ऐसा कुछ निकलता है प्रेस करने से, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा थिक बेस्ड फाउंडेशन है। इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, इसको ब्लेंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसके लिए आपको इसमें मिक्स करना होगा थोड़ा सा, या फिर सीरम या फिर कोई भी आपको मेकअप ऑयल कुछ भी आपको इसमें मिक्स करना है, क्योंकि ये इजीली ये ब्लेंड नहीं होता है। इसकी कवरेज टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं तो ये मीडियम कवरेज है, बिल्कुल भी हाई कवरेज नहीं है ये, तो मुझे ये थोड़ा सा वर्थ इट नहीं लगता है, ये थोड़ी मीडियम कवरेज है। अगर आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस है ना तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल मीडियम कवरेज फाउंडेशन है कलर बार का, आप देख सकते हो। इसका शेड नंबर मैं आपको बता देती हूँ, इसका शेड नंबर है 003 बीज माइल्ड 003 इसका शेड नंबर है, 1200 MRP है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फाउंडेशन की तरफ, तो जो कि है
मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये वाला फाउंडेशन. तो है ये फाउंडेशन है चार्मेसी मिलानो का. इसके दो शेड है मेरे पास चार्मेसी मिलानो के. एक शेड है 03 नंबर और एक है 04 नंबर शेड. 03 है हमारा, 03 एंड 04. तो ये मैट फाउंडेशन है. ये बहुत तो उसके लिए अच्छा है. अगर आपके स्किन में पिंपल है, पिगमेंटेशन है या कोई भी दाग है ना, तो ये उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है. ये कवरेज, ये मतलब फुल कवरेज नहीं देगा आपके फेस को. करीब 03 नंबर शेड. ओके, तो ये मैट फाउंडेशन है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है. इसको आप थोड़ा सा अप्लाई, मतलब कितना थिन था ये देखो. इसको बस एक पंप करते ही ये ऐसे बह जा रहा है स्किन में. बट ये बहुत ही नेचुरल सा कवरेज देता है स्किन में. फाउंडेशन को यूज कर सकते हो. ये मेरे शेड का नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सा फेयर लग सकता है. देख सकती हूँ बिल्कुल ये मेरे फेस से दो फेस बिल्कुल अलग लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड है मेरे स्किन के लिए. बस मैं आपको ट्राई करने के लिए दिखा रही हूँ ये. और ये फाउंडेशन मीडियम कवरेज फाउंडेशन है. इसके MRP भी समथिंग 1000 के अंदर ही है. बट ये मीडियम कवरेज फाउंडेशन है. आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा थिन है. अगर आपके फ्लॉलेस एकदम क्लियर स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर आपके स्किन में थोड़े भी पिंपल है या फिर ओपन पोर्स वगैरह है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है. तो यहाँ पे देख सकते हो इसका कवरेज, आप लोग खुद ही देख सकते हो. ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड मैट फाउंडेशन है. अगर आपको एक्सेस ऑयल, एक्सेस स्वेटिंग आती है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है. तो इसके दो शेड है मैं आपको बता सकती हूँ. एक है मेरे पास 03 और एक है 04 नंबर शेड. तो मैंने एक ही ट्राई करके दिखाया है. तो 04 जो है वो और ज़्यादा फेयर शेड का है. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट के तरफ, जो कि है मेरा फेवरेट 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 फाउंडेशन, माई मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन, जो कि है PAC का. मतलब इसके आगे ना मुझे मैक भी नहीं पसंद आता. ये मेरा इतना फेवरेट फाउंडेशन है. मैंने इसको बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया है क्वांटिटी में. तो इसका मेरे पास दो शेड है, मैं आपको बताती हूँ. एक है मेरे पास 1.5 और एक है मेरे पास 2.0 शेड. उसमें क्लियर अभी दिख नहीं रहा है बट मैं आपको बता देती हूँ. ओके, 2.0 एक है और एक है 1.5 मेरा शेड नंबर. मैं इसको सेल्फ के लिए, ब्राइड के लिए हर जगह इसी को यूज़ करती हूँ. अभी मैं आपको इस गाल पे दिखाती हूँ. आपने चार्मेसी मिलाने को देखा और इसका देखा. इसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. 800-850 में आपको ये वाला फाउंडेशन मिल जाता है. और इसमें ये दो शेड ना सफिशियंट होता है. मतलब आपको अगर मीडियम टोन टू फेयर स्किन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है. तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ. अभी आप देखना मेरा जो, इसकी कवरेज बिल्कुल फुल कवरेज फाउंडेशन है ये. एंड इट्स माई फेवरेट फेवरेट फाउंडेशन. इसके आगे मुझे कोई भी फाउंडेशन नहीं पसंद आता. ये इतना HD फिनिशिंग फाउंडेशन है. ये इसमें लिखा हुआ ये HD फाउंडेशन, बट इसको लगाते ही बहुत ही ज़्यादा ड्यूई सा एंड ग्लॉसी सा लुक देता है. एंड ये फाउंडेशन फुल कवरेज है, ग्लॉसी एंड ड्यूई लुक देता है. बहुत बहुत अमेजिंग फाउंडेशन. आप इसको सेल्फ के लिए भी यूज़ कर सकते हो और एज ए आप ब्राइडल किट में ब्राइड मेकअप के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो. एंड आप डोफनो से ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है बट दिस इज़ अमेजिंग. अगर एक बार PAC फाउंडेशन ट्राई करोगे ना, आपको दूसरा कोई फाउंडेशन ट्राई करने का मन नहीं करेगा. मतलब ये मेरा इतना फेवरेट फाउंडेशन है, मैं आपको बता नहीं सकती. इतना ज़्यादा फेवरेट है. एंड इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी, फुल कवरेज फाउंडेशन है. पूरे पूरे दिन तक ये मेकअप को ऐसे ही लॉन्ग लास्टिंग रखता है. तो ये मेरा बहुत फेवरेट फाउंडेशन है. तो मैंने जितने भी अभी आप लोगों को फाउंडेशन बताया ना, सबका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आपको कोई भी चाहिए तो वहाँ से बाय कर सकते हो. तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट फाउंडेशन के ऊपर. सबसे पहले मैं अपने इस फेस को क्लीन कर लेती हूँ. तो मैंने अभी अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया. अब इतने बार फाउंडेशन लगा के रिमूव कर करके ना, मतलब फेस की हालत ही टाइट हो जाती है, क्या बताऊँ. लेकिन आप सबको लिए ये सब करना पड़ता है. तो अब आता है हमारा लास्ट फाउंडेशन, जो कि है मैक का फाउंडेशन. बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि मैक का फाउंडेशन कैसा होता है, अच्छा होता है या नहीं होता है. पहले मुझे लगता था मैक का फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता. पता नहीं क्यों मुझे मैक के प्रोडक्ट पहले पसंद ही नहीं थे. बट लिटरली बताऊँ तो इतना भी बुरा नहीं है, फाउंडेशन अच्छा होता है. बट मुझे इससे भी ज़्यादा फेवरेट ना मेरा PAC है, पता नहीं क्यों. अब आप लोग बताना कि आपको PAC ज़्यादा अच्छा लगा या फिर मैक फाउंडेशन ज़्यादा अच्छा लगा. तो मैक में मेरे पास दो शेड, एक है बिल्कुल डार्क शेड और एक है मेरे पास लाइट शेड. तो मैं दोनों को मिक्स करके अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे क्लाइंट के बेसिस से हिसाब से रखना पड़ता है. तो दो शेड है, एक है मेरे पास NC 15 और एक है मेरे पास NC 35. तो मेरे शेड में जाएगा NC 35. तो इसको मैं आप लोगों को ट्राई करके दिखाती हूँ.
ठीक है। तो मैक का फाउंडेशन जो होता है वो फुल कवरेज फाउंडेशन होता है, SPF 15 रहता है इसमें। और इसका मैं आपको बता दूं, तो मैंने ना इसका ये छोटा ट्यूब मंगवाया था, इसका बड़ा भी आता है, बट मुझे सबसे पहले ट्राई करना था कि ये फाउंडेशन कैसा होता है, इसलिए मैंने इसका छोटा ट्यूब मंगाया है। तो ये आया था मेरे को, एक फाउंडेशन मिला था 2000 रुपीज़ का, तो जो कि मैंने नायका से ही ऑर्डर किया था। तो अगर आप लोग को चाहिए इसका शेड, क्योंकि बहुत लोगों को ये रहता है कि हम जहाँ से मंगा रहे हैं वहाँ से प्रोडक्ट ओरिजिनल आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी मेकअप का कुछ भी मंगवाना है ना, तो आप हमेशा नायका या पर्पल को ही, पर्पल से ही ऑर्डर कीजिए, क्योंकि वहाँ से मैंने जब भी प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं सारे बिल्कुल ओरिजिनल पैकेट में आए हैं। तो अभी देखो, एक साइड मैंने मैक का फाउंडेशन लगा लिया है, अब इसको ब्लेंड करते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा थीन बेस्ड फाउंडेशन है, लाइक ये फुल कवरेज तो है, लेकिन अगर किसी के पिंपल है, पिगमेंटेशन है, दाग है, तो ये उनको उतने अच्छे से हाइड नहीं करता है, बट इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, बहुत नेचुरल से लुक देता है, एकदम फ्लॉलेस फिनिशिंग आता है। आप देख सकते हो, बस मैंने इतने स्पीड में ब्लेंड किया और 2 मिनट में ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। तो सामने से भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब आप लोग बताओ कि ये कैसा लग रहा है लुक। बहुत ही फ्लॉलेस फिनिशिंग आई है एंड बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नेचुरल लगता है, फेस पे बिल्कुल भी हैवी फील नहीं कराते ये फाउंडेशन। तो मेरे पास फिलहाल तो इतने ही फाउंडेशन है, और कुछ है जो मेरे पास स्टिक फाउंडेशन है, स्टिक कंसीलर है, अगर आपको उसका भी रिव्यू जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, एंड कमेंट करना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन सारे फाउंडेशन से आपका फेवरेट कौन सा है एंड आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो आई होप आपको आज का मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे एंड शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।